हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। अपने अल्टरनेटर पूरा कर चुके हैं, आज अपने पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मोटर क्या होती है, ठीक है। मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करे, ठीक है, वो क्या कहलाती है, मोटर। अल्टरनेटर अपने पढ़ा था, जनरेटर हो गया, सिंक्रोनस जनरेटर वो क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे। तो सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करे। सिंक्रोनस स्पीड अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर वो मोटर होती है जो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है, ठीक है, जिसकी स्पीड क्या होगी, NS अपने पढ़ चुके हैं, सिंक्रोनस स्पीड पे जो रोटेट करेगी वो क्या कहलाती है, सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर, ठीक है, दोनों की संरचना बराबर होती है, ठीक है, संरचना एक ही होती है। अपने क्या होता है कि जो सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर बोल दो, एक ही बात है, सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर, इसमें अपने क्या होता था कि जो अपना स्टेटर होता था, स्टेटर को कौन सी सप्लाई दी जाती थी, स्टेटर अपने को कौन सी सप्लाई देता था, AC देता था अपने को, ठीक है। लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक है, इसको अपने AC सप्लाई देंगे, क्योंकि मोटर जो होती है वो सप्लाई लेती है, तो इसको 3-phase AC सप्लाई देंगे, 3-phase AC सप्लाई इसको दी जाती है यहाँ, ठीक है। तो इसमें N और S पोल बनेंगे, क्योंकि AC सप्लाई है, रोटेटिंग फील्ड पे तो होएगा। अब रोटर हो गया, रोटर को कौन सी सप्लाई देंगे, DC सप्लाई, ठीक है। ये तो था इसका पार्ट्स। अब पार्ट्स इसका एक एक पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले आता है स्टेटर। स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग स्थापित होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। इसको आर्मेचर को अपने 3-phase AC सप्लाई देंगे, रक्षण का निशान देखो, जिसको अपने AC सप्लाई देंगे, ठीक है। ये तो होता है अपना स्टेटर, जिसपे आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। एक था अपना रोटर, ठीक है, जिसपे अपने फीड वाइंडिंग स्थापित होगी, ठीक है, और इसको कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। लेकिन ये डीसी सप्लाई किसके द्वारा दी जाती है, डीसी संट जनरेटर के द्वारा इसको डीसी सप्लाई दी जाती है। एक तीसरा इसका पार्ट आता है एक्साइटर, जिसके द्वारा अपने रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं वो क्या कहलाता है, एक्साइटर। एक ऐसा सोर्स जिसके द्वारा अपने डीसी सप्लाई अपने रोटर को दी जाती है वो क्या कहलाता है, एक्साइटर। तो यहाँ एक्साइटर क्या होगा अपना, डीसी संट जनरेटर होगा, ठीक है। और रोटर अपने वही दो प्रकार के थे, सैलिएंट पोल रोटर और सिलेंड्रिकल रोटर। ये अपने पढ़ चुके हैं अल्टरनेटर के अंदर बहुत बढ़िया से, कि सैलिएंट पोल रोटर कहाँ यूज होता है, सिलेंड्रिकल रोटर कहाँ यूज होता है, सैलिएंट पोल कम स्पीड के लिए यूज होता है, सिलेंड्रिकल हाई स्पीड के लिए यूज होता है। ये सारा कुछ आपको मैं बता चुका हूँ, मैं डिफरेंस भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इसकी संरचना बिल्कुल अपना जो अल्टरनेटर था उसके जैसी होती है। तो एक बात ये आती है कि जो अपना सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, नॉट सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इसको जो अपने डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है, तो इसमें परमानेंट मैग्नेट बनेगा, ठीक है, लेकिन इसको अपने रोटेट कराना पड़ेगा। यहां पर मान लो N पोल बनाए, ठीक है, और यहां पर क्या बन जाए, N पोल बने, और यहां क्या बने, S पोल बने, ठीक है। तो ये समान पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, इसको दूर धकेलता है तो अपना रोटर घूमेगा। लेकिन जैसे ही यहां S पोल आएगा और यहां क्या आएगा, N पोल आए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे, और यहां पर ये एक दूसरे को घूमने नहीं देंगे, तो जिससे अपना क्या है, मोटर जाम हो जाएगी, यहां रोटेट नहीं करेगी। तो अपने रोटर को इतनी स्पीड से घुमाना है, ठीक है, कि यहां पर जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो, क्योंकि यहां प्रत्यावर्ती धारा दी हुई अपने को, यहां जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो तो यहां क्या आ जाए, S, यानी कि जब N और S परिवर्तित होंगे ये, ठीक है, तो यहां N था, तो यहां जब S आए
इतनी स्पीड से अपने इसको रोटेट करना है कि यहाँ जब ऐसा है तो यहाँ अपना एस रहे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे फिर प्रतिकर्षित करेंगे जिससे मोटर अपनी रोटेट रहे। तो इसको अपने सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे। इसकी विधियाँ देखो, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से ये क्या करेगी फिर रोटेट करेगी। सबसे पहला मेथड आता है पोनी मोटर के द्वारा इसको रोटेट कराना। अपने किसको घुमाना है, इस रोटर को। ये अपना स्टेटर था, इसके अंदर ये कौन सी है फील्ड वाइंडिंग है, इसको डिश सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको किसके द्वारा घुमाएंगे, किसी प्राइम मूवर के द्वारा, ठीक है, ताकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होने लग जाए। तो पोनी मोटर पहला मेथड है, पोनी मोटर के द्वारा। पोनी मोटर कौन सी मोटर होती है, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है जिसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड से जिसकी मोटर क्या होती है, NS से ज़्यादा जिसकी स्पीड होती है। कैसी मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर जिसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें पोनी मोटर जो अपने यूज़ करते हैं उसमें पोलों की संख्या क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है, क्योंकि आपको पता है NS बराबर अपने पढ़ चुके हैं 120 F/P, पोलों की संख्या जितनी होगी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पोलों की संख्या एक जोड़ा कम होगी, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस पोनी मोटर के द्वारा अपने क्या करेंगे, इसको रोटेट करवाएंगे, ठीक है। और जहाँ इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड हो जाए तो वहाँ पर अपने इसको हटा लेंगे, तो फिर अपनी मोटर जो है अपने आप क्या करेगी, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती रहेगी। दोनों पोल जो होंगे, जैसे ये पोल हो गए, इस कंडीशन में जैसे ये पोल चल रहा है तो इसके साथ में ये पोल चलेगा, ठीक है। तो दोनों में क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी जिसकी वजह से मोटर अपनी रोटेट करती रहेगी, ठीक है। तो पोनी मोटर के द्वारा अपने इसको स्टार्ट किया जाता है। दूसरा होता है डीसी मोटर के द्वारा। डीसी मोटर के द्वारा भी इसको रोटेट करवाया जाता है, सेम टू सेम यही है, ठीक है। यहाँ इसको डीसी मोटर लगा देंगे अपने, डीसी कंपाउंड मोटर यूज करते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर के द्वारा इसको रोटेट करवाया जाता है, ठीक है। और इतनी गति पर रोटेट करवाया जाता है कि जब सिंक्रोनस गति के बराबर हो जाए स्पीड इसकी, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की गति सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तब इसको अपने हटा लिया जाता है, ठीक है, हटा लिया जाता है। तो ये अपने रोटर जो है किस स्पीड से गति करता रहेगा, सिंक्रोनस स्पीड से गति करता रहेगा, ठीक है। तो डीसी मोटर का यूज़ किया जाता है, रोटेट करवा रहे हैं अपने, ठीक है, एक प्राइम मूवर के द्वारा, एक प्राइम मूवर का काम कर रहा है, डीसी मोटर हो चाहे पोनी मोटर हो। एक होता है सेल्फ स्टार्टिंग मेथड के द्वारा, सेल्फ स्टार्टिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि जो अपना रोटर होता है, ठीक है, उसकी डिजाइन में चेंज किया जाता है, रोटर जो होता है उसके डिजाइन में चेंज किया जाता है। वो जैसे स्लिप रिंग टाइप का या फिर इस हिसाब का रोटर अपने यूज़ करते हैं जिससे एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह रोटर तैयार किया जाता है जिससे कि ये सेल्फ स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये तीन मेथड थे अपने सिंक्रोनस मोटर के। तो मेन बात ये है कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। कैसे कैसे इसको सेल्फ स्टार्ट करते हैं, एक तो अपने पढ़ा है पोनी मोटर के द्वारा, दूसरा था डीसी मोटर के द्वारा, और तीसरा पढ़ा है अपने सेल्फ स्टार्टिंग मेथड के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। अपने इंडक्शन मोटर पढ़ा है, इंडक्शन मोटर जो होती है वो क्या होती है, इंडक्शन मोटर वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम गति पर हमेशा रोटेट होती है, सिंक्रोनस स्पीड से कम गति पर रोटेट करती है, कौन, इंडक्शन मोटर। लेकिन सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जो सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट करेगी। सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराने के लिए अपने ये मेथड अपने यूज करते हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स जो हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे अपने अल्टरनेटर में पढ़े थे वही सेम टू सेम। अल्टरनेटर में अपने सप्लाई प्राप्त करते हैं और इसको जो थ्री फेज सप्लाई इसको देते हैं जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू।